राजधानी लखनऊ में पुलिस उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डकैती और लूट के इनामी बदमाश असलम को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। वो अपने गैंग के साथ सुनसान घरों को निशाना बनाता था और लूट की घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने बताया कि असलम के पास जो आधार कार्ड बरामद हुआ है, उसका एड्रेस दिल्ली का ही है और उसका जो आरोपी का पहला आपराधिक इतिहास 2020 में सामने आया, लेकिन उससे पहले भी इसका भारत में आना जाना रहता था। वहीं वारदात से पहले असलम का गिरोह आपस में संपर्क कर एक जगह एकत्रित होकर घटना को अंजाम देता था और फिर घटना को अंजाम देने के बाद वापस बांग्लादेश ये लोग चले जाते थे। प्राप्त हुई उसी में रेकी करके लगा के इनको असलम को गिरफ्तार किया। असलम बांग्लादेश का मूल रूप से निवासी है, चोरखली थाना पंडरिया जिला बुरसल बांग्लादेश का निवासी है और ये अपने गैंग के साथ मिलकर अनेक आपराधिक घटनाओं का इसने अंजाम दिया है। उनमें से 8 मुकदमे पहले इनके खिलाफ लिखे हुए हैं।